तो प्रीपोजिशन अब डायरेक्शन एंड मूवमेंट सिर्फ इस पेज में आपका क्लियर हो जाए। इस पेज के अलावा कभी आपको इसका चिंता नहीं होगा कि हमें प्रीपोजिशन ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन समझने में दिक्कत होगी, कभी नहीं। तो ना तो चलिए ध्यान से इसको समझिए, हम थोड़ा माइंड लगाते हैं, तब मजा आएगा। देखिए, जब भी आप किसी चीज के अंदर गति में जाए, देखो चूहा है डिब्बा की तरफ घुस रहा है, डिब्बा में मान लो मिठाई है, ये कहां कैसे जा रही है, जा रहा है वो बाद में देख लेंगे ना, जा रहा है कैसे जा रहा है, गति। तो जब भी किसी चीज के अंदर चाहे आप घुसे कि चूहा घुसे कुछ और घुसे, गति में जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं, गति में जा रहे हैं, तो वहां क्या लगेगा, इनटू, क्या लगेगा, बात समझ में आ रही। जैसे देखो वो बचपन याद करो, पुला पर से धार में कूदना, नहर में कूदना, कूदते हैं पानी में कैसे जाते हैं, गति में, तो वहां क्या लगेगा, बात समझ रहे हैं। किसी भी चीज के अंदर अगर आप गति में जा रहे हैं तो वहां क्या लगेगा, इनटू, अगर चले गए अंदर तब क्या लगेगा, तो इन। जैसे अभी आप क्लास में हैं, अंदर में हैं, तो इन है, जब आप क्लास में घुस रहे थे तो आप क्या थे, इनटू द क्लास, क्या थे, इनटू द क्लास, समझ, घुस रहे थे, जब घुस गए इन क्लास। अब देखो जब आप क्लास से बाहर निकल रहे हैं, बाहर जाएंगे तो गति में तो रहेंगे, मोशन में जा रहे हैं तो आउट ऑफ जा रहे हैं, तो जब आप चले गए तब आउटसाइड हो गए, समझ रहे बात को। तो जब भी गति में किसी चीज के अंदर घुसेंगे इनटू, बाहर निकलेंगे आउट ऑफ, समझ रहे, कोई दिक्कत, चलिए मुद्दा पे। अब देखो जब किसी चीज के अंदर चारों तरफ चक्कर काटोगे, काटते तो रहते आप लोग बहुत चीज के चक्कर, तो जब चारों तरफ चक्कर काटोगे घूमोगे तो क्या लग जाएगा, अराउंड, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, यस सर। किसी का भी चक्कर काट रहे चारों तरफ तो वहां क्या लगेगा, अराउंड। किसी चीज के अंदर घुस रहे हैं इनटू, किसी चीज से बाहर निकाल रहे हैं आउट ऑफ। अब ये देखो काम हो गया, तो अब कहां जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो जब दूर जा रहे हैं तो क्या लगेगा, अवे फ्रॉम। बाकी आप समझिए प्यार से, जब भी किसी चीज से हम दूर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, गति में, अवे फ्रॉम, क्या जा रहे हैं, अवे फ्रॉम, गोइंग अवे फ्रॉम, जहां से जा रहे हैं वो लगा ले, समझ बात को, कोई दिक्कत। अब देखो ये, देखो ये आकर के आपको पता है कौआ कहाँ आके बैठेगा, कौआ कहाँ बैठेगा ये कौआ को भी नहीं पता होगा, हम ही देख के बता सकते हैं इसका हुलिया देख के किधर आ रही है, कौवा इधर आ रहा है ना, तो जब कौवा इधर आ रहा है तो इस ओर आ रहा है, क्या रहा है, ओर, तो वहां पे क्या लगेगा, कौवा। किसी चीज की ओर जा रहे हैं आप, किसी चीज के तरफ जा रहे हैं आप, तो क्या लगाएंगे वहां, टूवर्ड्स, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। दूर जा रहे हैं अवे फ्रॉम, किसी चीज के तरफ जा रहे हैं टूवर्ड, या टूवर्ड। पास्ट मतलब क्या होता है, पास्ट मतलब होता है किसी चीज के सामने, समझ रहे, किसी चीज के सामने से, समझ रहे, तो पास्ट हो गया। अब ये देखो एक शब्द है ऑन टू, अब देखो ये मोशन वाला अलग अलग आ जाए, ऑन टू मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कूदना, क्या करना। अब सपोज दैट मान लो यहां पे मैं एक बॉल को ऐसे करके पटकूं, तो बॉल जो पटकाया ना इस पे अंदर नहीं घुस पाएगा, अगर किसी चीज के ऊपर छलांग मारे और अंदर नहीं घुस पाया तो ऑन टू, या अप ऑन भी पढ़ते, दोनों का मतलब सेम होता है, किसी चीज के ऊपर कूदना, समझ रहे, अगर कूद करके घुस गए तो इनटू, समझ रहे, अगर नहीं घुस पाए, समझ रहे, कोई दिक्कत। तीसरा देखिए ऑफ, अब देखो किसी चीज के ऊपर कूद
onto या upon किसी चीज पर से कूद गए। Off क्या हुआ? अब देखो बेंच पर आप चढ़ जाओ, बेंच पर से नीचे कूद जाओ, तो ऑफ क्या होगा? जंप ऑफ हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो क्या होगा? ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे क्या है? ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स पर से ये कूद गया। आप छत पर से कूद जाओ तो जंप ऑफ द रूफ, समझ रहे हैं? तो रूफ से कूद, जब किसी चीज पर कूदे उस पर कूद रहे हैं, ऑन टू या अपॉन उस पर से कूद रहे हैं, आप समझ रहे हैं? ओवर मतलब समझिए, ये भी कूदना फानना ही है, किसी चीज के ऊपर से कूद रहे हैं, ओवर क्या कर रहे हैं? कूदना अभी किस प्रकार का कूदना बताया आपको, देखो कूदने का भी प्रकार होता है, समझ समझ का फिर है। किसी चीज के ऊपर कूदे ऑन या ऑन टू या अपॉन, समझे? किसी चीज पर से कूदे ऑफ, किसी चीज के ऊपर से कूदे, समझ रहे ना? जैसे आप लोग कूदे ना साइकिल के ऊपर से, समझ रहे हो? अब कूदने का मतलब याद है, वो जा रहा है, ऊपर से जाते भी तो हैं, समझ रहे हैं? मतलब बिना टच किए हुए, तो क्या रहेगा? ओवर। क्या रहेगा? समझ रहे हैं? अगर वही चीज नीचे से चला जाए, ऊपर के बजाय कहां से? नीचे से, तो क्या लग जाएगा? अंडर, समझ रहे हैं? अगर वही चीज उसके बीच से चला जाए, थ्रो, क्या लगेगा? अब देखो सारा चीज गति का खेल है, ऊपर से उड़ के चला जाए ओवर, नीचे से चला जाए अंदर, अब बीच से चला जाए थ्रो, समझ रहे हैं? उसके बाद किसी चीज को पार कर जाए क्रॉस, अक्रॉस चेल का, तो क्या होगा? अक्रॉस, समझ रहे बात को? किसी चीज को पार कर दिया चल के, जैसे आप रोड को पार करते हैं चल के, करते हैं कि नहीं करते हैं? मार्केट को पार करते हैं इस पार से उस पार, जब इस पार से उस पार कर जाए तो क्या रहेगा? बतिया समझ में आ रहे हैं? अब किसी चीज के ऊपर जाए, आराम से ऊपर जा रहा है, अब नीचे आ रहा है, डाउन, समझ में आई बात? ऊपर जा रहा है अप, नीचे आ रहा है, आपका भी तो बीपी कभी अप होता है कभी डाउन होता है, तो बढ़ रहा है तो अप, घट रहा है तो, बात समझे? कोई दिक्कत है इसमें कहीं भी? तो प्यार से अब इसको हम टॉपिक वाइज पढ़ने का काम करेंगे, तो आइए जरा टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। पहला शब्द यहां आके देखिए, ये है अक्रॉस, क्या है? अक्रॉस। पहला शब्द अपना क्या है? अभी अभी हमने अक्रॉस बताया है मित्रों कि किसी चीज को आर पार करना, और ये आपको तो याद ही है इस उम्र का, आपका भी हालात ऐसे था, देखो आधा तो पैंट ही नहीं पहना है, अरे आप भी नहीं पहनते थे, ध्यान ही नहीं रहता था, और क्या करते थे? नहर को पार कर जाते थे, धार को पार करते थे, कैसे करके? तैर के, और काम पकड़े हेल कर, तो उसको क्या करते हैं? तैर करके, देखो क्या करा, द बॉय स्वान अक्रॉस द रिवर, बच्चों ने मतलब लड़कों ने नदी को इस पार से उस पार किया, कैसे? तैर कर, तैर कर, स्वान मतलब क्या? पीटू है ना, तो तैर करके इस पार से उस पार गया, कोई दिक्कत? अब देखो कई बार आप लोग रोड को इस पार से उस पार करते हैं, हाँ, अब मैं बताना चाहूंगा कि बेटा रोड को पार करते टाइम चारों साइड देख लिया करो, तो आपका तो ध्यान सिर्फ एक ही जगह रहता है, ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है, जहां भी जा रहे हैं ना उस पार, जो इंतजार कर रहा है उस पे जो जा रहे हैं दौड़ के मिलने, तो उसको मिलने से पहले रोड देख ले तब दौड़े, कई बार तो हम देखे हैं आप साइकिल के सामने से इस पार से उस पार, अरे थोड़ा सब्र करो भाग नहीं जाएगा, आप ही का है, तो इनको समझ गए, कोई दिक्कत? तो इनको जल्दी से लिखने का काम करेंगे, जल्दी से कॉपी कीजिए।